साइड में रख दो, झूम झूम के नाचो हालेलुया, जोर जोर से जितने भी पावर में है सब लगा दो हालेलुया। कभी कभी मेरा मन ये करता है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा हालेलुया। पता क्या होता था, जब मैं छोटा था सब लोग हिम्मत खड़ा कर लाइन बना लो दवाई बना लो हालेलुया, रात में ही नाचता था क्यों पता है, शर्म लगती थी नाचने का, बहुत शौक था हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा हालेलुया, और जो तू नहीं भी मांगेगा वो भी मैं तुझे, क्योंकि मुझे पता है तेरी क्या क्या आवश्यकता हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हालेलुया हालेलुया। प्रभु फिर मुझसे कह रहा है कि अब ये हो सकता है कि आप फ्री नहीं हुए भी, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ 10 गवाही सुनोगे ना, 10 केवल 10 के लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, लोग ध्यान से 10 गवाही सुनेंगे, एक 11वीं गवाही उनकी होगी यीशु मसीह के नाम में, 11वीं गवाही उनकी होगी और वो बैठे बैठे अभी के अभी फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। कहते हैं ना मेरे परमेश्वर मेरे मुंह की बातें पूरा हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा गवाही हालेलुया जी, प्रॉफेट जी इस बहन का नाम प्रभा है और ये गनोरे से आई है और ये बहन अपनी गवाही बता रही है। ये बहन बता रही है कि सुबह से ही इनके आधे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, और जब यहाँ पर आप बोल रहे थे कि दर्द की प्रॉब्लम आपको छोड़कर जा रही है, और उसी समय इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया, और ये बहन बता रही है कि इनके सर का दर्द बिल्कुल जा चुका है। जी, मैं गनोरे से आई हूँ, मेरा नाम प्रभा है। मैं जब सुबह उठी थी तो मेरे यहाँ बहुत तेज दर्द हो गया है, हाँ सिर में बहुत तेज हो रहा था, तो मेरा मन कर रहा था कि तू जा या ना जा प्रार्थना में। फिर मैंने सोचा कि मैं जब प्रभु के नाम पर जा रही तो मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगी। मैं नहा भी ली, ठंडे पानी में नहाई, सिर भी धो लिया, और मैं जब से यहाँ ही रास्ते में मेरा बहुत तेज दर्द हो रहा था सिर में, यहाँ आने के बाद भी मेरा बहुत तेज दर्द हो रहा था सुबह से ही। तो जब ये पास्टर जी प्रोफेसी कर रहे थे तो उस समय मैंने अपने लिए रिसीव किया और मेरा सर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। ठीक हो, ताली बजाएंगे सब लोग हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा
अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा है, जलालपुर से आई हूँ जी। मैं मदरता 3 साल हो गए थे। 3 साल हो गए थे। आपने इलाज किया? नहीं होगा इलाज भी किया, आराम नहीं हुआ। अब तो ठीक हूँ। अब ठीक हूँ, चंगी हो। जब कहते हैं कि जब जा रहा है बॉडी का दर्शन जी, ठीक हो गया। ठीक हूँ। ताली बजाएंगे सब लोग। खाली लोग प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम नीलू है और ये रुस्तमपुर से आई है और ये बहन अपने बच्चे की गवाही दे रही है। ये बहन बता रही है कि जो बच्ची इनके साथ में है, इस बच्ची ने इनके सूट से एक नग उतार लिया और इस बच्ची ने अपनी नाक में फंसा लिया और ये बहन कहने लगी कि ये कैसे निकलेगा। फिर इन्होंने कहा कि प्रभु जी बस आप ही इस बच्ची के इस नग को निकाल सकते हो। और जब आप प्रेयर कर रहे थे और ये बहन बता रही है कि इनको 2-3 छींक आई और इस बच्ची की नाक से वो नग निकल कर बाहर हो चुका। वहां से परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है हालेलुया। और लोग हैरान हो जाते हैं कि ये परमेश्वर का काम कैसे हो रहा है। हालेलुया। अब ठीक है बेटा, आपकी ताली बजाएंगे सब लोग परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम कोमल है और ये कुम्हारपुरा से आई है और ये बहन बता रही है कि इनको इनकी बॉडी में दर्द हो रहा था और कमर में भी दर्द हो रहा था। और जब आप प्रोफेसी कर रहे थे कि मैं कमर घुटनों के दर्द को जाते हुए देख रहा हूँ और उसी समय इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया और ये बहन बता रही है कि इस समय बिल्कुल चंगी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम कोमल है और मैं कुमारपुरे से आई हूँ। और जब ये प्रोफेसी कर रहे थे, मेरी कमर में और पैरों हाथों में दर्द हो रहा था। मैंने अपने लिए रिसीव किया और मैं चंगी हो गई। हालेलुया। जी जी। ओके। हालेलुया। प्रॉफिट जी, माता का नाम संत तेरेसा है और ये हर्रे से आई है और ये अपनी गवाही के साथ है। प्रॉफिट जी, ये माता बता रही है कि पिछले 1 महीने से इनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था और जब आप प्रोफेसी कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं पैरों के दर्द को ज्यादा देख रहा हूँ और उसी समय इन्होंने अपने लिए रिसीव किया और ये बता रही है कि इनके पैरों का दर्द बिल्कुल जा चुका। हालेलुया। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, मुझसे खिल दे जे। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम ममता है और ये मिठापुर से आई है। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि ये बाथरूम में गिर गई थी और इनके घुटने में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। ये बहन बता रही है कि ऐसा लग रहा था जैसे घुटने की पाली टूट गई हो, चटक गई हो। और ये बहन बता रही है कि इनकी जेठानी के लड़के की शादी थी और वो इन्हें कहने लगी कि आप हमारे बच्चों की शादी में क्यों नहीं नाच रहे। लेकिन ये बहन बताने लगी कि मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं नहीं नाच सकती। फिर इस बहन ने आपका नाम लिया और ये बहन बोली कि मैं प्रॉफिट जी को देखूंगी और ठीक हो जाऊंगी। और ये बहन रात को 3 बजे सपने में आपको देख रही थी
आपने सपने में? मैंने रात 3 बजे हालेलुया के मैं इसमें बात मिठापुर से आई हूँ, ममता मेरा नाम है जी, जी, जी। मैं बाथरूम के लिए जा रही थी, जैसे मैं बाथरूम में बैठी तो मेरी नस ऐसी चटकी तो मैंने सोचा मेरे गोड्डे की पाली टूट गई आज जी। तो बोलिए मका फिर वो परवेसर मेरा पैर का सही करो, मेरा पैर बहुत हो रही हूँ खराब में, गीतों में कैसे जाऊँगी। मेरी जिठानी ने मुझे ताने मारे कि और की शादी में नाचती हो, मेरे बच्चे की शादी में नहीं नाच रही। मैं बोली मैं कैसे नाच लूँ जब मेरे पैर में दर्द है, मगर मेरे बस की बात नहीं है। मैंने पास्टर जी का नाम लिया, पास्टर जी मैं रो रही थी खाट पर बैठी हुई, मैंने कहा पास्टर जी कि मुझे ताने दे रही हूँ, मैं सुबह उनकी शादी में नाच लूँ तो मैं चंगी हो गई। मैं सपने में देखा मैं चंगी हो गई। एक बार अभी थोड़ी देर पहले हम प्रोफेसी कर रहे थे कि किसी बहन ने कल और परसों किसी ने सपने में हमें देखा कि नहीं देखा, आपने बताया हमसे? हाँ आपने बताया हमसे। हाँ बताया। कब बताया? अभी बताया। अभी तो बताया। पहले बताया आपने? पहले तो नहीं बताया, अभी बताया मैंने जी। आपने बताया कि मैंने आपको सपने में देखा? नहीं बताया ना? नहीं बताया, अभी बताया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि किसी ने देखा है सपने में, और वो सपने में देखने के द्वारा फ्री हो गए। हालेलुया। अब फ्री हो गए? फ्री हो गए, बिल्कुल चंगी हो गई, कुछ नहीं है। हालेलुया। हरि मुसीकी दे बीच मेरा यीशु मेरे नाले नाले है, हरि मुसीकी दे बीच मेरा यीशु मेरे नाले नाले है, हरि मुसीकी दे बीच मेरा यीशु मेरे से गाँव से जी मिठापुर से। सुन लो मिठापुर वालों, सपने में देखोगे ना तो आप भी फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जी जी जाए जाए। लोग कहते कि ये तो तुक्का मार रहे। हालेलुया है ना, अभी सुना आपने, सुन लिया ना। हालेलुया परमेश्वर को महिमा। हालेलुया। पास्टर जी माता का नाम कौशल्या है और ये फरीद नगर से आई है और ये अपनी बहुत बड़ी गवाही के साथ है। प्रॉफिट जी ये बता रही है कि इनको पैरालाइज हो गया था और जब ये चर्च आई थी तो ये दूसरों का सहारा लेकर के आई थी, और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई है जो दूसरों का सहारा लेकर चर्च आए हैं और वो ये माता है। हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। सारे से आई थी कि नहीं आई थी आप? सारे से आई, अब तक ना पा गई थी। हालेलुया। पहले सारे से चलती थी थोड़ा थोड़ा। और जब बोले थे कि कोई है जो किसी के साथ सहारे से आता है, और थोड़ा थोड़ा पांव से चला नहीं जाता, जाता हाथ भी थोड़ा हल्का मारा चलता है थोड़ा थोड़ा। जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ, अब पहले सारे चलती थी, अब सारे चल रही हो? अब नहीं चले सारे से? चल के दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। उधर उधर उधर। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैंने कहा कि कोई है, मैंने कहा कोई है जो सहारे से चलता है किसी के। हालेलुया। अब सहारा छूट गया और थोड़ा सहारा से फायदा है।
ताली बजाएंगे हालेलुया परमेश्वर की महिमा जी जी जय जय हालेलुया नाम प्रिया कानपुर से 3 दिन से पैरों में दर्द था अब जा चुका है। ये है मोनिका धामपुर से पूरे शरीर में 3 साल से दर्द था अब जा चुका है अब ठीक है। हालेलुया बहन के नाम की प्रोफेसी की गई थी हालेलुया अब ठीक है ताली बजा के सब लोग हालेलुया। मुन्नी देवी 5 साल से बवासीर की बीमारी थी अब चली गई ताली बजा के। सोनम बच्चे वाले एक मेरे सीने में दर्द था अब ठीक है। और बाला बिलक से आंखों में 10 साल से प्रॉब्लम थी अब ठीक है। जयवती जयवती मिलक गले में 2 साल से दर्द था अब ठीक हो गया। पेपर नीचे करो अब ठीक हो गया ठीक हो गई। विद्या केशव 5 साल से पैरों में दर्द था अब जा चुका है। सुमन बच्चे वाले से 4 दिन से कलेजे में दर्द था इधर ना यही तो बताते हैं आपसे कि किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है अब ठीक हो गया। क्या लिखा है सिम सीकरी 1 साल से पूरी बॉडी में दर्द था ठीक है अब ठीक है ठीक है ताली बजाने सब लोग परमेश्वर को याद रखना जी जी जय 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 जी जी जय जय हालेलुया। मेरा साथ जना खड़ा खड़ा हो रहा था और मेरे बाएं साइड जना चुभक हो रही थी जब तुमने प्रोफेसी कही मैंने अपना रिसीव मैंने अपने लिए रिसीव कर लिया चलो ठीक हो जी जी जान जाए नाम काला खेड़ी और था एक हाथ में दर्द अब ठीक हो गया जी जी जान जान जान। देखो जिनके छोटे बच्चे हैं यदि वो फ्री होते हैं तो बड़े व्यक्ति को आना चाहिए इंतजार देने के लिए समझ गए आप लोग। छोटे बच्चे को मत भेजा करो आप खुद आए करो अपने बच्चे का देने के लिए साथ लेकर। मेरा नाम प्रमोद कुमारी है मिठापुर से आई हूँ। मेरा बहुत घबराया था मेरे लीवर में तूफान थी वो तो आप जब मैं जब तुम रिसीव कर रहे थे अपना करें प्रोफेसी जब प्रोफेसी करते कि किसी के ना लीवर में दुकान सी है और वो जा रही है हाँ वो जा रही है तभी ठीक हो गया। अब देखो हाथ लगा के हाँ बहुत दुकान थी ना मेरा मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया जांच भी करवा लिया। कब से थी दुकान ही है अब नहीं कब से थी यह तो मुझे हो गया 3-4 साल से अब नहीं है अब नहीं ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए जी जी जान जान जान। मेरा नाम सोनम है जी कहाँ से है मुरादाबाद से जी क्या होता मेरा ना यहाँ पौधे में दर्द था ये यहाँ पे दर्द होता ये यहाँ पेट में दुखन थी जब प्रोपसी कर रहे थे डॉक्टर साहब तो मैंने अपने लिए रिसीव किया मैं चंगी होगी जी जी जाए 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 जी कहाँ से है मंडोरी सा मंडोरी फोजलपुर हालेलुया बेटी जुलाई पड़ी थी क्रिसमस में थे आप देवमाला मेरा नाम है मैं 25 तारीख में आई थी जन्मदिन में क्रिसमस में आई थी जन्मदिन में 25 तारीख में प्रोफेसी कहते थे कि तो जब बोली लगी थी मेरी अब किसी का घर आने जा रहे हैं 4 दिन हुए थे दिन देखो तो तब पास्टर तुमने बोला था हम घर होने जा रहे हैं तो मेरा ही घर होने जा रहा था 4 दिन 25 तारीख को प्रोफेसी हुई थी क्रिसमस के दिन प्रोफेसी हुई थी कि जिनका घर नहीं बस रहा है उनका घर बसने जा रहा है। ये 4 दिन बता रही बहन के 4 दिन हुआ था इनसे बात किए हुए रिश्ते हुए 4 दिन हुए थे तो इनका घर बस चुका है मसीह के नाम में। कितने साल से थी आप 7 साल 7 साल से बिना अपने माई के लिए 7 साल से थी और इनका घर नहीं बस पा रहा था। मैंने प्रोफेसी किया था कि 25 तारीख प्रोफेसी कर रहा हूँ 25 क्रिसमस में आने वाले टाइम में काफी दिन तक लोग बाहर देंगे समस्या के नाम में और आज कितना टाइम हो गया आप देख सकते हो समस्या के नाम में आपको घर बस चुका है। हाँ, बस चुका मेरा घर। ताली बजाएंगे सब लोग परमेश्वर के लिए हालेलुया हालेलुया जी जी जान जान जी
हालेलुया। ये छोटी बात नहीं बहन जी, 7 साल से लड़की अपनी मायके में रह रही है। हालेलुया। चोट लगी थी, काफ़ी पट्टी वगैरह करवाई हमने, लेकिन फिर से ठीक नहीं हुआ। मतलब कहने का ये यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो अभी जब हम यहाँ पहली बार आए यहाँ पे, तो इसका जो है हाथ ही ऐसे करके आने लगा। पहले वो यहाँ तक आता था, लेकिन यहाँ नहीं रखा जाता, तो पूरा ऐसे और ऐसे करके होना सीधा हो गया। हाँ, थोड़ा सीधा हो रहा था, लेकिन यहाँ रखना जरूरी है ताकि ऐसे करके खाना भी खा सके। तो यहाँ पे जो है आपने जब प्रेयर करी थी उस टाइम में जो है ये इस समय मैं बोला इसको तू इस तरह से कर और खूब जोर जोर से प्रभु की महिमा कर इसको। तो ये करने लगा ऐसे करो, तो इसको ऐसे करते करते यहाँ हाथ आने लगा। ताली बजाएंगे सब लोग परमेश्वर के लिए। हालेलुया। 17-18 दिन से ज़्यादा होगा, 20 दिन मान के चलो। ये भाई मोहम्मद डबरे से आए हैं, क्या नाम आपका? राजपाल सिंह नाम है। राजपाल सिंह नाम है और ये अपने बेटे का दे रहे हैं। इनके बेटे का हाथ जो है राइट हैंड इसके हाथ में जो है इस तरह से नहीं आता था जी, लेकिन अभी जब यहाँ पे वर्शिप कर रहा था, वर्शिप कर रहे थे और कूद रहा था बिल्कुल, तो उस समय जो है मैंने कहा बेटे हाथ चला पूरी तरह से, उसने हाथ रोक रखा था जी, चला आया उसने, तो इसका हाथ जो यहाँ तक आने लगा। अब आ गया, पहले नहीं आता था, पहले यहाँ तक था ऐसे करके, वो यहाँ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया। अब आ गया, परमेश्वर की महिमा करने से। ताली बजाएंगे सब लोग परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैंने कहा जो आप नहीं कर सकते थे वो करके देखो, आप कर रहे हो इस मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा नाम पूजा है, मैं आपको मजफ्फरपुर के रहने वाली हूँ। मेरे बेटे को बुखार था कई दिनों से और अचानक ही यहाँ पे आना नहीं हो रहा था सत्संग में, तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना कराई तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। बुखार था उसको बहुत है, तभी ठीक हो गया। हाँ, ताली बजाएंगे सब लोग परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जय सबको, मेरी जय मसीह की। मैं कांवड़ी से आई हूँ, रचना मेरा नाम है। आज सुबह जब मैं सो रही थी मैंने भैया जी को देखा, पास्टर जी को देखा और मैं जब से बनी चंगी हूँ, मैं फ्री हो गई हूँ सपने में। हाँ, ताली बजाएंगे। कब की बात है? सुबह, आज सुबह की बात। ताली बजाएंगे। हालेलुया। हिलाना तो हरिश्चंद कुमार गांव गल्लेकड़ी 12 साल से फर्ज था, अब वो जा चुका है। हालेलुया। जी अपना नाम बताइएगा। सारी कलेसी अबू जय मसीह की और पास्टर जी को जय मसीह की। मैं 12 साल से कर्ज के श्राप में डूबा हुआ था, जो कुछ कमाता था वो सब कर्ज में जा रहा था, कोई घर में तरक्की कुछ नहीं थी। लेकिन ये राजपाल सिंह मोहम्मद डाबरे के हैं, इन्होंने, मैं इनके साथ में काम करता हूँ पेपर मिल में जसपुर, इन्होंने आपके बारे में बतलाया अनुग्रह प्रार्थना मिनिस्ट्री के बारे में कि आप एक बार वहाँ जाओ और जो तुम मांगोगे वो मिलेगी। और मैं यहाँ विश्वास के साथ आया और प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास करा और मैं काम करने लगा, और जो मेरा 12 साल का कर्ज था वो 6 महीने में मैं कर्ज 6 महीने का कर्ज वो दे चुका हूँ, वो 6 साल का कर्ज 6 महीने में दे चुका हूँ। और 20 साल से मैं बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा ये खाता था, और जब से मैंने आपका यूट्यूब पर प्रोग्राम में प्रतिदिन देखता हूँ और अपने बच्चों को दिखाता हूँ, तब से वो मैं दारू वालों से और बीड़ी सिगरेट वालों से घृणा करता हूँ। और मेरे परिवार में मैंने सोचा नहीं था कि 4 पहिया वाहन में हम बैठ चुकेंगे, और मेरे भाई ने 4 पहिया वाहन इसी महीने में बैगनार निकाल लिया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। YouTube देखते हो आप लोग? यस, हालेलुया। वाह प्रभु, भला हो YouTube वालों का, यीशु मसीह के नाम में भला हो YouTube वालों का। YouTube देख के बीड़ी सिगरेट दारू छुटी है मेरी। ताली बजाएंगे। हालेलुया। हेलो, पहले मैं सोचता था कि बीड़ी सिगरेट अगर मेरी जिंदगी से छूट गई तो मेरी जिंदगी में रह ही क्या जाएगा। जी हाँ, लेकिन आज मुझे उस दारू का नशा आज मुझे यीशु मसीह में दिख रहा।
ताली बजाएंगे सब लोग। हालेलुया हालेलुया, जोर से बजाता जोर से। अरे बड़ी गवाही हालेलुया, जोर से बजाता है जी। नरेंद्र कुमार मिठोपुर, एक महीने से हाथ में दर्द था, अब जा चुका है, जा चुका हाथ में एक महीने से। ये दर्द था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पोलिया का असर हो गया हो। और कल आपके पास मेरी घरवाली ने फोन भी किया था रात्रि में, बहुत बेचैनी हो रही थी। आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। अब वो सारा दर्द मेरा जा चुका है, अब चला गया जी। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया जी जी, हालेलुया।